हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड। बहुत ही टेस्टी ये मैंगो कस्टर्ड तैयार होता है बनकर, और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है जब इसको ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। तो इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत टेस्टी ये तैयार होता है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध पकने के लिए रखा हुआ है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और इसको अच्छे से एक उबाल आने देंगे। तो यहाँ पर मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, तो इसको हम अच्छे से पकने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने लिया है कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर टॉप्स का लिया है, और इसका हम 2 चम्मच कस्टर्ड निकाल लेते हैं इसमें से। ये देखिए 2 चम्मच मैं भर के ले रही हूँ अच्छे से, और आधा लीटर दूध में 2 चम्मच लिए हैं। और इसका रूम टेम्परेचर का दूध लेकर हमें अच्छे से इसका घोल बना लेना है। थोड़ा थोड़ा दूध हम इसमें ऐड करते जाएंगे। आधा कप के करीब हम इसमें दूध डालेंगे और इसका बिल्कुल लम्स फ्री हमें घोल बना लेना है। तो ध्यान रखना है कोई फुटके नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हमारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हम इसको बिल्कुल अच्छे से घोल लेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये मैंगो कस्टर्ड तैयार होता है बनकर। तो ये देखिए हमारा ये घोल तैयार है। अब हम इसको डालेंगे दूध में। तो दूध को देख लेते हैं, यहाँ पर दूध भी अच्छे से बॉयल हो चुका है ये देखिए। और इसकी मलाई को हम इसमें मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे, और इसमें हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर दूध में 1/4 कप चीनी ली है। ये देखिए 1/4 कप चीनी ली है, क्योंकि हम इसमें मैंगो प्यूरी का इस्तेमाल करेंगे, तो वो भी आम भी बहुत मीठे हैं, तो इसलिए इसमें हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। अब बिल्कुल अच्छे से इसको पका लेंगे चीनी का कच्चापन दूर होने तक। 2 से 3 मिनट मैं इसको पका लूँगी मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए चीनी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसको अच्छे से मैंने पका लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। गैस की फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें हम कस्टर्ड पाउडर डालते जाएंगे, चलाते जाएंगे। बिल्कुल हमें इसको लम्स नहीं पड़ने देना है, तो ध्यान रखना है इसको अच्छे से चला देना है। ये देखिए बहुत अच्छे से ये गाढ़ा होने लगा है, और इसको हम इसी तरह से चलाते रहेंगे। और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया है, और इसी तरह हम इसे चला देना है। 2 से 3 मिनट हम इसका कच्चापन दूर होने तक अच्छे से पका लेंगे। तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर और भी बढ़ा सकते हैं, आप जितना थिकनेस रखना चाहें कस्टर्ड का, तो आप इसमें कस्टर्ड पाउडर और भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि 1/2 चम्मच और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कस्टर्ड बहुत अच्छे से पक चुका है हमारा, बहुत अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे मैंगो प्योरी। तो यहाँ पर मैंने 3 आम लिए थे, और इसका मैंने आधे की मैंने प्योरी बना ली है, और आधे के पीसेस कट कर लिए हैं, जो कि हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। और अब इस प्योरी को हम इसमें डाल देंगे। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ आपको, मैंने 10 आम लिया है। आपको एक तो मीठा आम लेना है, और आपको बिल्कुल रेशे वाला आम नहीं लेना है, नहीं तो कस्टर्ड बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो हम इसको इसमें ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। तो आप डरिएगा नहीं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा इसमें लम्स पड़ गए हों, तो आप इसको चम्मच से या किसी मैशर से अच्छे से मैश कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है। और ये देखिए प्योरी हमारी इसमें डलने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है, और ये हमारा बन गया है मैंगो कस्टर्ड। ये देखिए गैस को मैंने बंद कर दिया, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये हमारा कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो अब कस्टर्ड को हम 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, 2 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। और अब हम इसमें डालेंगे मैंगो पीसेस, मैंने छोटे हिस्सों में कट किया है इसको क्यूब्स में, और अब हम इसमें डाल देते हैं। थोड़े से हम बचाएंगे तो वो ऊपर से डालेंगे। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो और भी कोई फ्रूट आपको पसंद हो तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैंगो का इस्तेमाल किया है, तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने बादाम बारीक कट कर लिए हैं, पिस्ता डालूँगी मैं इसमें। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है। तो बस देखने में बहुत अच्छा लगता है, वैसे टेस्ट भी अच्छा हो जाता है ड्राई फ्रूट्स से, तो ये आप ज़रूरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पिस्ता और बादाम का इस्तेमाल किया है, या अगर आप कोई और ड्राई फ्रूट चाहें तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसमें लगा देंगे मैंगो पीसेस। तो ये देखिए मैंने सारे मैंगो पीसेस को ऊपर से लगा दिया है, इसको डेकोरेट कर दिया है। और अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी चेरी, ग्रीन और रेड कलर की, जो कि देखने में हमारा कस्टर्ड और अच्छा लगेगा। ये देखिए जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसके बगैर भी आप इसको बना सकते हैं। ये देखिए
थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये मैंगो कस्टर्ड हमारा बनकर बिल्कुल एकदम तैयार है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। ठंडा ठंडा आप बनाइए, इसको इन्जॉय करिए, बहुत टेस्टी ये कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।